नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएनबी बैंक के द्वारा जो नई पोस्टें निकाली गई हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्या पोस्टें हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन उसके लिए क्या क्या है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही और जानकारियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो दोस्तों, इस फॉर्म की ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8/9/2020 पिछले कल से शुरू हो गई है और क्लोजिंग डेट उसकी 29/9/2020 है और जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं पहली पोस्ट की, तो वो मैनेजर रिस्क डिपार्टमेंट के लिए है जिनकी 160 वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके आगे इसका पे स्केल भी दिया गया है कि आपको कितनी पे मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों, आप इसके आगे है मैनेजर क्रेडिट, क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट है जिसकी 200 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके आगे मैनेजर ट्रेजरी की है जिसकी 30 पोस्टें दी गई हैं। उसके आगे मैनेजर लॉ की हैं जो 25 सीटें हैं, मैनेजर आर्किटेक्ट की 2 सीटें हैं और ऐसे ही आपको इसके बारे में सारी पोस्टों के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, ये टोटल 535 पोस्टें दी गई हैं जो जिनको आप फिल कर सकते हैं। तो इसके आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें डिटेल ऑफ रिज़र्वेशन क्या क्या है कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं। तो इसमें आपको हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कितनी कितनी सीट्स इसमें बांटी गई हैं। इसके आगे दोस्तों, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके आगे हमें इसकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो इसमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसका लिंक मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों, हमें हर एक पोस्ट के लिए बताया गया है कि हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। जैसे मैनेजर क्रेडिट के लिए है उसकी एज भी दी गई है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में भी आपको पूरा बताया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 10 पोस्टों के लिए इसमें हर एक के लिए बताया गया है कि किस में कितनी सीट्स हैं और इसके आगे बाद आपको बताया गया कि रिलैक्सेशन इन अपर में आपको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये जॉब फिल करनी है तो इसके लिए आप यहाँ सरकारी जॉब पर जाकर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद आप यहाँ पीएनबी बैंक एसओ पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। इस फॉर्म की भी मैं जो साइट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि इसमें हमें क्या क्या और किस हिसाब से चाहिए। इसका दोस्तों, हम इस पर क्लिक करते हैं तो आगे आपको ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।